नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे जीवन में सभी प्रकार का भौतिक सुख प्रेम को प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 13 जुलाई 2022 को दिन में 11 बजे शुक्र वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर 7 अगस्त 2022 तक यानी अगले 23 दिन की समयावधि तक गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। शुक्र का मिथुन राशि में गोचरी स्थितियां सिंह राशि के जीवन में कैसा प्रभाव डालने वाली है, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। देखिए, शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को एक शुभ ग्रह और स्त्री स्वभाव का ग्रह माना गया है। लगभग 23 दिनों में शुक्र अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। शुक्र को प्रेम, वैवाहिक सुख, रोमांस, सभी प्रकार का भोग विलास, ऐशो आराम, सुंदर वाहन, सुंदर वस्त्र, चटपटे भोजन का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का प्रभाव होता है। शुक्र के शुभ प्रभाव से यदि जन्म कुंडली पर शुक्र बलि हो तो इंसान को बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र यदि बलि हो तो वैवाहिक जीवन काफी ज्यादा बेहतर होता है और ऐसे जातक की वाणी काफी ज्यादा मधुर होती है। शुक्र बलि हो तो संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में जातक काफी ज्यादा संलग्न रहता है और शुक्र के बलि रहने पर जीवन में परिवार को लेकर किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। शुक्र यदि जन्म कुंडली पर अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो जातक को परिवार से अलगाव का सामना करना पड़ता है, जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है, सेक्स के रोग देखने के लिए मिल जाते हैं, अत्यधिक धन संकट का सामना करना पड़ता है। वहीं शुक्र यदि जन्म कुंडली पर खराब हो तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कई प्रकार की चुनौतियां जीवन में बनी रहती है। शुक्र पीड़ित हो तो जीवन में दरिद्रता देखने के लिए मिलती है। देखिए, जीवन में शुक्र की जो महादशा होती है वो 20 वर्षों की होती है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। सिंह राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर या फलादेश आधारित है तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। सिंह राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए शुक्र आपके कर्म भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। 13 जुलाई 2022 को शुक्र आपके राशि से 11वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। राशि के 11वें भाव से व्यक्ति के लाभ के बारे में, यात्राओं के बारे में, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, बड़े भाई के बारे में और सभी प्रकार के जीवन में उपलब्धियों के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर शुक्र मौजूद होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके राशि के संतान भाव को देखेंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार की संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले नौकरी पेशा जातक या करियर के क्षेत्र में संलग्न जातकों को यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में खर्चों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी बनी हुई थी और आमदनी में यदि आपके जीवन में कमी बनी हुई थी तो शुक्र का आपके राशि के 11th हाउस में गोचर होना आपके जीवन में अकस्मात धन की वृद्धि कराता हुआ भी नजर आएगा। इस गोचर काल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में कई प्रकार के रुके हुए कार्यों के बनने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिल सकती है। सिंह राशि वाले जातकों को यदि किसी प्रकार के मुकदमेबाजी में संलग्न रहना पड़ रहा था उसमें विजय की संभावना देखने के लिए मिलने वाली है।
सिंह राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय नहीं मिलने के कारण हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। अब आपके जीवन में कुछ न कुछ संभावना अच्छी आपके जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। और इस समय अंतराल में यदि सिंह राशि के जातक किसी प्रकार का नया कार्य व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सिंह राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में कपड़ों की दुकान चलाते हैं, कलाकार हैं, यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्चर हैं, आयकर विभाग में आप जुड़े हुए हैं, या फैशन, सिनेमा, संगीत से आपका जुड़ाव है, या होटल या ढाबे का संचालन करते हैं, या सिंह राशि के ऐसे जातक जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, यानी क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को जीवन में लाभ की प्रबल संभावना देखने के लिए जरूर मिलने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों को यदि प्रेम संबंध के मामले में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था और पूर्व के समय से यदि प्रेम जीवन में रिश्तों में दरार पूर्वक स्थितियां बनी हुई थी, तो शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके राशि के पंचम भाव पर जा रही है, जो प्रेम संबंध के मामले में आपको एक संभावना और श्रेष्ठता दे सकती है। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर काफी अनुकूल और काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल संभावना देखने के लिए जरूर मिलने वाली है। वहीं सिंह राशि के ऐसे जातक जो वैवाहिक जीवन में आप जुड़े हुए हैं, और यदि आपको पूर्व के समय से संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता बनी हुई थी, उससे भी आपको निजात जरूर मिलेगी। तो यह तो रहा आपके राशि के ऊपर शुक्र के गोचर का प्रभाव। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो शुक्रवार के दिन सिंह राशि वाले जातकों को मां लक्ष्मी की उपासना करना काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। शुक्रवार के दिन यदि जातक श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में शुक्र से संबंधित सभी प्रकार के शुभ प्रभाव जरूर मिलेंगे। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।